जी स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने एक कार खरीदी, ठीक है, और उसको हम लोग अप्लाई किया मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेप्स हैं। अब जो नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक और एग्जांपल के ऊपर, ठीक है, एक और एग्जांपल के लिए। वो एग्जांपल जो है वो है एक ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम है मिस बिल्कीस, सेल्स मैनेजर है। और ये फील किया इन्होंने, इन्होंने एक प्रॉब्लम जो है वो फेस किया। वो प्रॉब्लम ये है कि इनका जो ओल्ड लैपटॉप्स थे वो आउटडेटेड हो चुके हुए हैं और इनएडिक्वेट हैं, और वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे और वो पुराने हो गए हैं। तो अब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक लैपटॉप की, ठीक है जी। अब लैपटॉप की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इनके पुराने लैपटॉप्स पे काम नहीं हो रहा, ठीक है। वो एक्टिविटीज़, वो फंक्शंस जो उनको असाइन किए जाते थे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वो काम कंप्लीट करने के लिए के लिए कैपेबिलिटी नहीं रखते थे, क्योंकि उनके लैपटॉप सही काम नहीं करते थे, ठीक है। जो REPS है ये रिप्रेजेंटेटिव्स को शो कर रहा है, ठीक हो गया जी। तो अब बच्चों हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे काम के रास्ते में रुकावटें पैदा हो रही थी, हमारे लैपटॉप जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहे थे। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एक नया लैपटॉप लेके देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक डिसीजन लेना है अपने एम्प्लॉयज़ के लैपटॉप के लिए, अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लैपटॉप के लिए। और लैपटॉप के लिए हम लोगों ने प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई किया कि वो पुराने एडुकेट नहीं है, आउटडेटेड हो चुके हैं, और हम लोगों ने नया लैपटॉप लेने हैं, ठीक हो चुके हो गया जी। अब नेक्स्ट जब हम लोग आते हैं तो हम लोगों ने ये देखना है कि जी, तो नेक्स्ट जो है वो दूसरा जो स्टेप है हमारा, वो हमारा स्टेप क्या है, उसमें हम लोगों ने ये देखना है कि उस डिसीजन को हम लोगों ने किस क्राइटेरिया के ऊपर हम लोगों ने वो डिसीजन लेना है, यानी कि लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी क्वालिटीज़ देखनी है, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर तो बहुत सी क्वालिटीज़ होती है, लैपटॉप का स्क्रीन का साइज़ भी होता है, लैपटॉप का प्रोसेसर भी होता है, उसके अलावा लैपटॉप की रैम होती है, लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क भी होती है, उसके बाद उसके अलावा लैपटॉप के अंदर वेब कैम की फैसिलिटी होती है, उसके अलावा उसके स्पीकर्स होते हैं, और मोर बहुत सी किस्म की जो है वो फंक्शंस होते हैं। लेकिन हमने अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो लैपटॉप्स लेने हैं उसके अंदर बेसिक बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उन्होंने ये देख लिया कि सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि उसकी हार्ड डिस्क बड़ी अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू, डिस्प्ले क्वालिटी, ज़ाहिर है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो अगर किसी को कुछ डेमो वगैरह देना होगा तो उसकी क्वालिटी। तीसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है बैटरी लाइफ, ठीक है। चौथे नंबर पर आ जाती है वारंटी, और पाँचवें नंबर पर आ जाती है कैरिंग वेट, ठीक हो गया। यानी कि अगर आप लैपटॉप उठा के कहीं आगे पीछे लेके भी जाते हो तो उसका वेट कितना ज़्यादा होता है। तो उसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में एग्जांपल में पढ़ा था कार्स, तो कार्स का कलर, कार की स्टीरियो, उसके अलावा कार का स्टीरियो के अलावा कार का कलर, कार का इंजन, स्टीरियो, और उसके अलावा एक दो एक एग्जाम्पल हमने और देखी थी, वो कौन सी थी, सॉरी, एक केट वेट और था, वो है फ्यूल इकोनॉमी। तो ये जब हम लोगों ने क्राइटेरियाज वहाँ पे रखे थे, तो यहाँ पे लैपटॉप्स के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा? नंबर वन, स्टोरेज कैपेसिटी के अच्छी होनी चाहिए लैपटॉप की। नंबर टू, लैपटॉप के डिस्प्ले क्वालिटी बड़ी अच्छी हो, लैपटॉप की बैटरी लाइफ, वारंटी और कैरिंग वेट, ठीक है। ये पांच जो है वो डिफरेंट किस्म की एट्रीब्यूट्स हम लोगों को चाहिए अपने उसमें, अपने लैपटॉप में। अब हम ये देखेंगे कि इन पांच पॉइंट्स में से, ठीक है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक हो गया। इसे हम लोग कहते हैं एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। तो एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया से मुराद अब हम लोगों ने देखना है कि ये जो पांच क्वालिटीज़ हैं, इन पांच में से कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हमारी नीड से ज़्यादा रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पे शायद ये और ये। वारंटी शायद हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। वेट शायद हमारे काम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हम लोगों ने प्रायोरिटाइज प्रायोरिटीज़, ठीक है। मैंने आपको शायद बताया था स्टीफन कोवे की बुक 7 Habits of Highly Effective People, उसमें क्या कहा गया था, उन्होंने कहा था कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी कि प्रायोरिटाइज दी प्रायोरिटीज़, कि पहले नंबर पे किसकी इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद किसकी इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद किसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। अब आगे जाएंगे तो हम एक टेबल देखेंगे, उस टेबल में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर होता यह है कि जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लोग एक रेट करेंगे,
ठीक है, और जैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो हम लोग उसको 10 रेट करेंगे। ठीक है, तो 1 to 10 हम लोग रेट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग कहेंगे मेमोरी और स्टोरेज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने लिखा हुआ 10, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेमोरी की हमारी लैपटॉप की। फिर हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पर बैटरी की लाइफ कितनी होनी चाहिए, तो हम लोगों ने आउट ऑफ 10 8 नंबर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटरी लाइफ है। अगर हम लोगों ने लैपटॉप ले लिया, बाकी सब कुछ है, लेकिन जनाब आधे घंटे के बाद जो है वो लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारा काम नहीं चलेगा। तो हमें एक लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला बैटरी चलने वाली जो बैटरी है हमारे लैपटॉप के अंदर हमें चाहिए। फिर वेट, उसको हम लोगों ने तीसरे नंबर पे 6 नंबर दिए। फिर हम लोगों ने वारंटी और डिस्प्ले क्वालिटी, ये वो दो चीज़ें हैं जिनको हमने बहुत कम नंबर दिए आउट ऑफ 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग लैपटॉप लेने के लिए जाएंगे मार्केट में, हम जब मुख्तलिफ मुतबादल प्रोडक्ट्स जो है वो जब हम देख रहे होंगे, ठीक है, और उस वक्त फिर हम लोगों ने ये देखना है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी मेमोरी, जिसकी बैटरी और कैरिंग वेट ठीक है। अगर ये किसी की बहुत अच्छी नहीं भी है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया, एक कंपनी जो है उसकी वारंटी तो बहुत अच्छी है लेकिन मेमोरी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उस कंपनी को एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है जी, तो आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स देखेंगे। अल्टरनेटिव्स से मुराद ये है कि मार्केट के अंदर जब हम लोग लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से लैपटॉप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास HP की बुक है, प्रो बुक है, उसके बाद हमारे पास सोनी वायो है, हमारे पास लेनोवो है, हमारे पास एप्पल की मैक बुक है, उसके बाद हमारे पास तोशिबा है, सोनी, डेल, इंस्पिरेशन, ये तमाम के तमाम जो कंपनीज हैं बच्चों ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स कौन सी कंपनी होती हैं, वो दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो एक ही मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। यू नो व्हाट इज़ होमोजीनियस, होमोजीनियस मुराद एक जैसी प्रोडक्ट्स, यानी कि ये सारे के सारी कंपनियां जो है वो लैपटॉप्स में भी डील करती हैं, तो इसका मतलब है ये होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होगी। ठीक हो गया जी, तो हम लोगों ने अब देख लिया HP, ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं जिनके लैपटॉप्स। अब हम लोगों ने ये देखा कि HP का जो प्रो बुक है उसकी मेमोरी जब हम लोगों ने चेक की, सॉरी उसकी जब हमने मेमोरी स्टोरेज चेक की तो हमें 10 में से 10 नंबर मिले, बड़ी अच्छी मेमोरी थी उसकी। फिर हम लोगों ने चेक किया दूसरे नंबर पे देखते हैं डेल इंस्पिरेशन की भी जो मेमोरी है वो कितनी है, वो भी कमाल की है। अब बैटरी लाइफ हमारे लिए दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट थी बच्चों, दूसरे नंबर पे हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो बैटरी लाइफ थी, ठीक है, जिसको हमने 8 नंबर दिए थे। तो बैटरी लाइफ जो है वो HP के जो प्रो बुक है उसकी में 3 है, ये ज़रा देखिएगा 3 है, इसमें 7 है, लेकिन चूँकि 7 है सोनी वाले मोबाइल लैपटॉप में, लेकिन बच्चों सोनी के लैपटॉप में स्टोरेज कम है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे, हम इसको इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसकी भी मेमोरी स्टोरेज पूरी है, इसकी भी फुल है। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो बैटरी लाइफ है ये 3 है, लेकिन इसकी जो बैटरी लाइफ है ये 7 है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इस जगह पे आके बैटरी लाइफ पे आके डेल इंस्पिरेशन जो है वो उससे ज़्यादा अच्छा आ गया। कैरिंग वेट आपने 3 नंबर दिए थे, ठीक है, तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर जो कैरिंग वेट था उसमें 10 नंबर है और इसमें 8 है, तो ये डिफरेंस तो है, लेकिन क्या ये बहुत कंसिडरेबल डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लोग अपना डिसीजन ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे बच्चों क्या चीज़ आएगी, वारंटी। इसकी वारंटी के जो है आउट ऑफ 10 हमने 8 मार्क्स लिए और इसकी वारंटी जो है उसको हम लोगों ने 6 मार्क्स दिए। इसी तरीके से डिस्प्ले क्वालिटी, इसको हम लोगों ने 5 मार्क्स दिए, लेकिन इसके हम लोगों ने डिस्प्ले क्वालिटी चेक की तो बड़ी अच्छी थी इसकी, तो इसको हम लोगों ने 7 मार्क्स दिए। तो अब हम लोग एक, चूँकि बाकी जो लैपटॉप्स हैं बच्चों मार्केट में है तो सही, अल्टरनेटिव हमने चेक तो कर लिए, लेकिन बाकी लैपटॉप्स की चूँकि क्वालिटी, मेमोरी की क्वालिटी जो है वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो हम लोग बाकियों को भी देखेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं हम बाकी जितने भी लैपटॉप्स हैं सब की क्वालिटीज़ को देखेंगे, लेकिन हम बाकियों को इसलिए यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इन हमारी जो नीड थी सबसे ज़्यादा वो नीड थी मेमोरी एंड स्टोरेज। तो मेमोरी एंड स्टोरेज में चूँकि बाकी लैपटॉप्स हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सके, तो इसलिए हम लोग बाकियों को हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास HP प्रो बुक और हमारे पास डेल इंस्पिरेशन, ये हमारे पास दो हैं, ठीक है। ये जो हम लोगों ने सारी के सारी टेबल के साथ खेल खेला है, इसे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ द अल्टरनेटिव्स, यानी कि हमारे पास अल्टरनेटिव जितने मौजूद थे उनको हमने सामने रखा और हर एक अल्टरनेटिव के को एनालाइज किया। ठीक हो गया जी, एनालाइज करने के बाद बच्चों अगला काम हमने क्या किया, एनालाइज़ करने के बाद, और एनालिसिस भी यहाँ पे लिखा हुआ और हम लोगों ने मार्क्स भी दिए हुए हैं, और एनालाइज़ करने के बाद फिर हमने देखा कि चूंकि हम लोगों के पास अब ऑप्शंस में एक डेल था और एक
एचपी प्रो बुक और एक डेल था। तो एचपी में हम लोगों ने इसको 100 मार्क्स, इसको 100 मार्क्स, वही जो हम लोगों ने पीछे मार्क्स देख देख दे रखे। तो अब यहाँ पे जब टोटल मार्क्स की बारी आती है तो एचपी प्रो बुक जो है उसके 231 मार्क्स बने जो हमने एवेल्यूएट किया हमारे अपने एनालिसिस में। और उसके बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो 249 बने, वो किसके बने? डेल इंस्पिरेशन के बने। ठीक हो गया जी। वो इसलिए कि टोटल 5 क्राइटेरिया हम लोगों ने देखे थे, 1 मेमोरी, 2 बैटरी, 3 कैरिंग वेट, 4 वारंटी और 5 डिस्प्ले। ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो 5 क्राइटेरियाज थे, इन 5 क्राइटेरियाज को अगर हम लोगों ने सब पे अप्लाई किया है तो अप्लाई करने के बाद हमारे डेल इंस्पिरेशन के सबसे ज़्यादा मार्क्स बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने डेल इंस्पिरेशन जो मोबाइल, सॉरी इंस्पायरन, डेल इंस्पायरन जो है वो हम लोगों ने चूज़ कर लेना है। ठीक हो गया, हमने सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि बाकी जितने भी लैपटॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला जो लैपटॉप है वो है डेल इंस्पायर। फिर बच्चों जो हम लोगों ने अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि हम लोग मार्केट में गए और मार्केट में जाके वो प्रोडक्ट खरीद ली। जब बच्चों हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो उसके बाद अगला काम क्या होगा, हम लोगों ने आखिर में इवेल्यूएट करना है कि इस डेल के जब लैपटॉप्स लेके आए हैं तो क्या लैपटॉप नए लैपटॉप देने से, पुराने लैपटॉप से जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी तो क्या नए लैपटॉप देने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुए। ठीक है, हमने ये इवेल्यूएट करना होता है। तो अगर नहीं सॉल्व हुए तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग सही तरीके से नहीं की। लेकिन चूंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस बच्चों हम लोग अडॉप्ट कर रहे होते हैं और पूरा का पूरा प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी ये होती है कि हमारा डिसीजन जो है वो अच्छा होता है और हमें पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स मिलता है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा होता है बच्चों कि हम लोग बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने के बाद आखिर में जाके हम लोग फिर डिसीजन मेकिंग करते होते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी जो है इससे अगला जो टॉपिक है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं।